धन की कमी आपके जीवन से दूर ही नहीं होती। धन आता है, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि महीने की अंतिम तिथि तक एक मुट्ठी धन भी आप संचित नहीं कर पाते। सामान्य जीवन स्तर न जाने कितने वर्षों से जी रहे हैं आप, और ऐसा देखकर महसूस होता है आपके परिवार का परिवार की स्थिति कि भविष्य में भी आप लोग कोई करोड़पति नहीं होने वाले। अपनी आंखों के सामने न जाने कितनों को बनते देखा है आपने, जीरो से हंड्रेड तक पहुंचते देखा है, परंतु आप पहुंचेंगे या नहीं आपको नहीं मालूम। फिलहाल कोई ऐसा राजयोग नहीं बन रहा है। ये तो धन आता है हमारे पास और आता ही जाता है, और नए नए धन आने के मार्ग जो हमारे जीवन में जुड़ते हैं ये मनुष्य नहीं करता, परमात्मा तो करते हैं। परमात्मा का नाम नहीं लूंगी, परंतु ये ग्रह करते हैं। हर मनुष्य की अपनी एक कुंडली होती है, अपनी एक हस्तरेखा होती है, अपना एक मूलांक होता है, जिसके अनुसार ही उसका भाग्य प्रतिदिन करवटें लेता है। कई बार आपने देखा होगा साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा लड़का समय के साथ बहुत मामूली से स्कूल में उसने शिक्षा ग्रहण की, कोई बहुत उसे सुविधाएं नहीं मिली, ना ही उन्हें बहुत अच्छी अच्छी किताबें कॉपी मिली पढ़ने के लिए, ना ही कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ा, परंतु एक समय के बाद उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज उच्च पद को प्राप्त किए हैं। वही बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लड़का भी अभी कुछ नहीं कर रहा है, कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये उसके ग्रह है जो उसे इस ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। यह भी एक उदाहरण है समाज में कि आपने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की है, कोई बहुत ज्ञान आपको नहीं है, संजोग से आपने एक छोटा सा बिजनेस खोला, उस बिजनेस की जो राशि है आपकी राशि से बिल्कुल टैली की, और उस बिजनेस की वजह से आप रातों रात करोड़पति हो गए। रातों रात का मतलब एक रात नहीं होता है, समय के साथ आप बढ़ते चले गए और इतना बढ़ते चले गए कि फिर अब ना आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ी और ना ही मौका मिला। आपको देखकर लोग कहते हैं, इसे देखकर लगता है बेकार हमारा पढ़ना लिखना, ये तो करोड़ों छाप रहा है। ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जगह शिक्षा की अपनी महत्व होती है, परंतु भाग्य जो होता है वो किस मनुष्य का कब साथ देगा पता नहीं चलता। परंतु यदि इस क्षण आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो क्या करें, भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि भाग्य कभी तो करवट लेगा। अपनी कुंडली किस एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, कहां जाकर अपनी हस्तरेखा चेक करवाएं, कहां जाकर क्या उपाय करें। जब मस्तिष्क काम ना करे तो ज्योतिषीय उपाय आपके जीवन में चमत्कार लाता है। धन से जुड़ी आज एक और चमत्कारिक प्रयोग लेकर आई हूं आप सबों के लिए। लाख मांगोगे तो करोड़ मिलेगा। आप अपनी छोटी सी दुकान से ही एक पूंजीपति एक करोड़पति वर्ग में गिनती होंगे। आपने जो पढ़ाई लिखाई की और जो छोटी सी नौकरी की है, आप देखेंगे कैसे आपकी पदोन्नति होती है, आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। घर में अब तक सबको शिकायत थी आपसे, आपने ज्यादा नहीं किया हमारे लिए, टूटे फूटे मकान में हम रहते हैं, ज्यादा कुछ मिलता नहीं, बच्चे को भी शिकायत, पत्नी को भी शिकायत, अब हर शिकायत होगी दूर। लाखों नहीं करोड़ों में खेलेंगे आप, और यह केवल बोलने की बात नहीं है। जब बीमारी होती है मनुष्य के शरीर में तो अन्य कोई चीज काम नहीं करता है, केवल प्रथम कुछ काम करता है तो वह दवाई होती है। मैं दुआ की बात नहीं कर रही, मैं ऐश्वर्य चमत्कार की बात नहीं कर रही। प्रथम जो चीज होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दवा मिलती है और हम खाते ही रिलैक्स महसूस करते हैं, तुरंत से कार्य करता है। काम ना करे तो हम डॉक्टर बदलते हैं कि यह दवा सही नहीं है। जीवन की समस्याएं भी ज्योतिषीय उपाय से इसी प्रकार जुड़ी हुई है जिस प्रकार बीमारियां जुड़ी हुई है दवाइयों से। जब मस्तिष्क कार्य ना करे, जब उपाय किसी का काम ना करे, जब भाग्य साथ ना दे, और जब कहीं चारों दिशाओं में अंधकार नजर आए, तब कर लेना एक ज्योतिषीय उपाय। और यदि यह उपाय आपके लिए है तो एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल कर रख देगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मुझे अपनी समस्या जरूर बताएं, और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यह एक ऐसी लाइन है जिसे लिख देने मात्र से जीवन की समस्याएं छू हो जाती हैं। धन पर बात कर रही हूँ, धन चाहिए तो चलिए करते हैं एक छोटा सा उपाय। यदि गुरुवार के दिन हर गुरुवार को
महीने में 4 गुरुवार पढ़ते हैं, केवल 4 गुरुवार के 4 गुरुवार या करना प्रारंभ कीजिए। दिन मत देखिए कितने दिन किए आपने, कम से कम 3 माह कीजिए, अर्थात 12 गुरुवार। मुड़कर आप मात्र 3 माह में भी पीछे देखेंगे तो आप अपने आप को कहां से कहां पाएंगे, और ये जो सिलसिला शुरू होगा ऊपर जाने का, ये कहां तक जाएगा आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। क्या ऐसे किस्मत बदलती है, ये काश ये उपाय मुझे पहले मालूम होता। मैं बात ग्रहों की कर रही थी, कौन सा ग्रह है जो धन हमारे जीवन में आने से रोक देता है, और यदि वह सुधर जाए तो सब कुछ हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। आज बात कर रही हूँ गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह कई मामलों में, आप कहेंगे कि शादी ब्याह में लेकर गुरु ग्रह लेते हैं, धन तो माता लक्ष्मी का ग्रह है, यहाँ इसका गुरु से वास्ता नहीं। गुरु जो ग्रह है इसे भगवान विष्णु संचालित करते हैं, पीले रंग से ये प्रभावित होता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की ही तो भार्या है, उनसे बाहर कहाँ, उनकी जो इच्छा हो गई तो माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए। यह उपाय आपको गुरुवार से एक दिन पहले अर्थात बुधवार को तैयारी कर लेनी है। बुधवार की रात्रि को स्वच्छ रहें और नॉनवेज ना खाएं। जब भी कोई प्रयोग करें तो मांस मछली का सेवन ना करें, क्योंकि हर प्रयोग किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी परमात्मा ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। तो गंदगी की अवस्था में, अशुद्धता की अवस्था में कोई उपाय ना करे, एक तो उपाय कार्य नहीं करेगा, ऊपर से आपको कुछ दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। बुधवार की रात्रि जब आप सोने के लिए जाने लगे तो अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी नाप के चने की दाल ले लें। एक शुद्ध कटोरी में चने की दाल डाल दें, इसके ऊपर 3 चुटकी हल्दी डाल दें, छोटी चुटकी से थोड़ी सी हल्दी 3 बार डाल दें। 3 जो संख्या होती है यह भी गुरु की संख्या होती है। थोड़ा जल डाल दे ताकि ये फूले पानी में, हल्दी वाली पानी में चने की दाल फूले। आपने गुरु ग्रह की ऐसी तैयारी की है कि मैं क्या कहूँ, हल्दी और चने की दाल। आने वाला भी अगली सुबह गुरुवार, जिधर सर होता है, जिधर पैर होता है उधर ना रखें, जिधर सर होता है उस दिशा में कहीं पर भी साफ सुथरी जगह में इस कटोरी को रख दें। रात भर में हल्दी की सारी पानी को चने की दाल सोख लेगा। थोड़ा बहुत पानी बच जाए तो इसे किसी भी बड़े वृक्ष में, पौधे में डाल दें, पानी जमीन में नाली में न फेंकें। और इस चने की दाल को गुरुवार को स्वच्छ स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहनकर, संभव हो तो पीला वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के पास जाएं। पीपल के पत्ते आसपास गिरे हुए होंगे, उसे एक धोले साफ कर ले और रख दे जमीन पर जड़ के पास, और उसी में ये सारे चने की दाल एक मुट्ठी अर्पण करें। नमन करें, वहीं बैठ कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। अपनी धन से जुड़ी समस्या कहें और कहें कि मुझे निरंतर ऊंचाइयों पर जानी है, मेरी से जुड़ी जो भी धन की समस्या है आज उस समस्या को मैं यही छोड़ने आया हूँ। मुझ पर उपकार कीजिए, मेरे गुरु ग्रह को बलवान कीजिए, और अब आज से मैं तरक्की के मार्ग पर हूँ इस बात का अस्थायी नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर। नमन करें, माथा टेके और चले आए। कोई बड़ा उपाय नहीं है, कोई हजारों रुपये का खर्च नहीं है, 10 रुपये का खर्च होगा मुश्किल से। हर गुरुवार को आप यह करना प्रारंभ कर दीजिए, 3 ही गुरुवार कीजिए और देखिए क्या चमत्कार होता है। मुड़कर मत देखिएगा, 3 माह मिनिमम कीजिएगा, और जब चमत्कार होने लगे जीवन में, आपको ऐसा लगने लगे कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ, तो खुशी के मारे इस उपाय को भूल मत जाइएगा। आप गुरुवार के गुरुवार यह उपाय करते रहिए। धन चाहिए ना ज्यादा, करोड़ों, तो बस ये करते रहिए। गुरु से जुड़ी जितनी समस्या होगी, आपकी कुंडली में, हस्तरेखा में, आपके मूलांक में कोई भी समस्या होगी, वो समस्या वहीं की वहीं रहेगी, आपके जीवन पर वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। तो अवश्य करें और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य लिखें अपना अनुभव, मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।